हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग्स। एक बार फिर से जो है न्यू ब्लॉग्स में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है आए हुए शेखपुरा और शेखपुरा मार्केट घूर रहे हैं। दोस्तों, मुझे एक काम था जो कि MI सर्विस सेंटर जाना था, तो हम लोग जो है MI सर्विस सेंटर से जो है रिटर्न हो रहे हैं और आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा और कैसा रहा हमारा MI सर्विस सेंटर, उसको वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है मार्केट आए हुए हैं, जैसा कि देख सकते हैं, और देखते हैं हम लोगों को भी जूता भी लेना है, तो देखते हैं अगर यहाँ मिल जाता है तो यहाँ ले लेंगे, नहीं तो आगे देखेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग जो है कटरा चौक से आगे जा रहे हैं दल्लू मोड़, और देख सकते हैं यहाँ का दृश्य कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा मेरे आगे देख सकते हैं, और साथ ही पीछे भी देख सकते हैं कि कैसा लुक और दृश्य आप लोगों को दिख रहा है मार्केट का। अभी फ़िलहाल उतना मार्केट में भीड़ नहीं है, लेकिन हम लोग जो है पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ से स्टेशन लगभग एक किलोमीटर होगा, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, और ब्लॉगिंग के लिए हम जो है पैदल चल रहे हैं। फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं मेरा जो है चार्जर एडेप्टर था ख़राब हो गया था, लेकिन फाइनली दोस्तों हम लोग जो है 10 मिनट से 20 मिनट यहां रुके होंगे, और मुझे सर जी जो है जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे बैठे हुए, ये 10-20 मिनट में जो है हमें नया चार्जर दे दिए हैं। और मुझे यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ लगभग हम बहुत सारे सर्विस सेंटर गए हैं MI का, लेकिन इतना जो शेखपुरा का सर्विस सेंटर है उससे बेटर मुझे कहीं नहीं लगा। इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से बातचीत भी करते हैं। और यहाँ एक बार और मैं विजिट कर चुके हैं, लगभग 1 साल हो गया। उस समय भी मैं आए थे तो उसमें मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, सॉफ्टवेयर इश्यू, तो भैया जो है मात्र जो है 1 घंटा में ठीक करके दे दिए थे। तो थोड़ा सा भैया से भी हम बात करेंगे, जैसा कि एक भैया यहाँ देख सकते हैं बैठे हुए, इन्होंने जो भी सामान ख़राब होता है उसके लिए एक फॉर्म सबमिट करवाते हैं, उसके बाद जो है उनसे बाद में बात किया जाता है जब उनको ठीक करके, जैसे कि मुझे ये चार्जर एडेप्टर दिए, तो भैया बाद में हमसे कॉल करके बात करेंगे कि आपका चार्जर कैसा चल रहा है, आपका एडेप्टर कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ दिनों के बाद जो है जानकारी लेते रहते हैं कि आपका अगर डिस्प्ले में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डिस्प्ले अगर यहाँ से चेंज करते हैं तो उसके बारे में भी पूछते हैं। 10 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद वो कॉल करके पूछते हैं कि आपका डिस्प्ले कैसा चल रहा, अगर आपका डिस्प्ले में कुछ भी इशू आ रहा है तो फिर से एक बार जो है विजिट कर सकते हैं हमारे MI सर्विस सेंटर। तो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं भैया आप जो सभी को कॉल करके फीडबैक देते हैं, तो उन्होंने क्या फीडबैक देते हैं कॉल पे, क्या जवाब देते हैं? जवाब देते हैं कि यही कि मतलब मेरा फ़ोन बेहतर चल रहा है, इसके लिए मैं आपका अच्छा मतलब लगता है कि यहाँ का सर्विस बेस्ट है, वही फीडबैक देते हैं भैया। तो भैया जैसे कि अभी भी देख रहे थे कि बहुत सारे कागज़ यहाँ पे उल्टे हैं और सभी को कॉल करके पूछ रहे थे, और साथ ही एक यहाँ भैया भी बैठे हुए, इनसे भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, जैसा कि मेरा अभी काम यही किए। तो भैया इतना जल्दी आप लोग कर दिए, और हम जो है अदर सर्विस सेंटर जाते, जैसे हम पहले में लखीसराय मेरा सर्विस सेंटर था तो वहाँ पर जाते तो इतना बेटर सर्विस नहीं मिलता। एक बार पहले भी मैं यहाँ आ चुके हैं, बहुत अच्छा सर्विस सेंटर लगा मुझे भी, और लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप लोग आसपास के हैं तो यहाँ आप एक बार ज़रूर पधारिए, और मोबाइल आपका अगर MI का है तो कहीं बाज़ार में मत खुलवाइए, नहीं तो आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। सर्विस सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए, इसीलिए आपके लिए ही बना है। तो भैया आप इसके बारे में कुछ बोलिए। हाँ, एज अ लाइक बेटर एज अ कस्टमर, आप ही लोग के लिए हम बैठे हुए हैं सर, और आप लोग को सर्विस नहीं दे पाएंगे तो किनको दे पाएंगे। तो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भैया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग जो है जा रहे हैं स्टेशन के पास, मेरा काम हो गया और साथ में गोरे जी भी हैं, तो देख सकते हैं शेखपुरा का लुक और नज़ारा। पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है, और इस पर भी हम लोग जो है घूमने जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, अभी हम लोग काम से आए थे, काम हो गया, अब हम लोग जो है घर जाते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग लेकर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।